हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे होममेड मैंगो क्रश। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बस दो ही इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। इससे हम मैंगो शेक बना सकते हैं, केक में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं और हम इसे काफ़ी समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए हम इसकी रेसिपी देखते हैं। मैंगो क्रश बनाने के लिए मैंने ये पके हुए 4-5 आम लिए हैं। मीडियम साइज़ के आम हैं, बस आम टेस्ट में मीठे होना चाहिए। अब आमों का छिलका उतार लेंगे हम और इन्हें बारीक पीस में कट कर लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और काटने के बाद इसे मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसका अच्छी तरीके से स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। लेकिन इसे पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना यह ख़राब हो सकता है। इसीलिए हम इसका बिना पानी के ही पेस्ट बनाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से पीसेंगे कि उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एकदम स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे किसी कढ़ाई या पैन में डालकर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे, 1 कप शक्कर डालेंगे। तो इस तरीके से यह 1 कप शक्कर लिए है हमने, हम इसे इसमें मिक्स कर देंगे और फिर से इसी तरीके से पकाएंगे। और इसमें सिर्फ मैंगो और शक्कर का यूज़ होता है गाइस, और किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होता है। यह सिर्फ 2 ही चीज़ों से बन जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक पकाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस 7 मिनट में यह पक के तैयार हो जाता है। ये देखिए गाइस, इसमें ये जो बबल्स आने लगे हैं तो यही साइन है कि ये पक चुका है। और अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे पूरा ठंडा होने पर ही शक करेंगे। अगर आप इसे एयर टाइट डिब्बे में भर कर रखेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक के चलेगा। बस आप इसे जहाँ बर्फ़ जमता है ना गाइस, उस वाले हिस्से में रखिए, तो यह बिना प्रिजर्वेटिव के भी 4 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए गाइस, ये बनकर तैयार हो चुका है और कितना मस्त लग रहा है। इसे हम बिल्कुल बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, डेजर्ट बना सकते हैं। जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना है तो आप इसे फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दें और फिर इसका इस्तेमाल। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।